यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं, बात करेंगे कि कौन-कौन से फ्लावर्स होते हैं कुकरबिट में। कुकरबिट यानी कद्दू। तो कुकरबिटा मैक्सिमा यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, और इसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। मेल फ्लावर अगर पहले निकल रहे हैं तो उस कंडीशन को कहेंगे प्रोटेंडर्स कंडीशन, और फीमेल फ्लावर अगर पहले निकल रहे हैं तो उसे प्रोटोगाइनी कंडीशन कहेंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रोड्यूस हों। तो मेल से एंथर्स और फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर एंथर्स जाएंगे, तभी पॉलिनेशन होगा और तभी फर्टिलाइजेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले मेल प्लांट, मेल फ्लावर के बारे में। यहाँ पे आपको हम चीज़ें दिखाते रहे हैं कुकरबिटा मैक्सिमा। ये जो है यहाँ पे मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं कि ये मेल फ्लावर कैसा होता है। अगर आप इसको गौर से देखिए तो पास में ले जाके देखिए ज़रा कि मेल फ्लावर कैसा है। इसमें ये देखिए, ये पार्ट्स आपके कैलिक्स कहलाते हैं। देखिए कैलिक्स अलग अलग हैं। ये जो चार पार्ट पांच पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो पाँच ही कैलिक्स आपको अलग से दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वाइट कलर के ये जो हेयर्स मिल रहे हैं, ये रूट हेयर स्टेम हेयर हैं, इसे ट्राइकोम्स भी कहते हैं। कैलिक्स जिस जगह से लगा हुआ है वो है पेडिसल का पार्ट, और ये पेडिसल जो है ये थैलेमस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे कोरोला है, कैलिक्स के बाद आ जाता है कोरोला, और कोरोला यहाँ पे देखिए सारे के सारे कोरोला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोरोला की यूनिट्स ये आपको दिख रही है। अंदर की तरफ अगर आप देखिए तो आपको गौर करने पर अंदर आपको एक ये पार्ट मिल जाता है। ये आपको येलो कलर के जो मिल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स बेसिकली किससे निकल रहे हैं, एंट्रोशियम से निकल रहे हैं। आपको इसका डिस्कशन डिसेक्शन भी करके हम दिखा देंगे कि कैसा होता है ये एंट्रोशियम। बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे एंथर्स अगर आप देखिए तो ये फ्यूज कंडीशन मिल रहे हैं। एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, ये कैलिक्स हैं, ये कोरोला है, अंदर एंट्रोशियम है। मेल फ्लावर में सिर्फ इतनी गाइनोशियम की कंडीशन फीमेल फ्लावर में मिलेगी। अगर हम इसको यहाँ से डिटेल वर्जन आपको दिखाएं थोड़ा सा काट के, तो अगर आप इसको देख सके तो यहाँ पे मेल फ्लावर जो है इसके जितने भी एंथर्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिंजिनेशियस कंडीशन है, देखिए सारे एंथर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिनेंट्रस कंडीशन में मिल रहा है, और सिनेंट्रस में सिंजिनेशियस कंडीशन, जब पूरे के पूरे सारे के सारे एंथर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दिखा दिया है, देखिए पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे और ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं मेरे हाथ के ऊपर, ये पॉलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएंगे और वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर आप देखिए तो सारे के सारे सेपल जो है वो फ्यूज है, तो इस कंडीशन कहते हैं गैमो सेपल्स कंडीशन। देखिए एक ये सेपल है, एक ये सेपल है, और देखिए सब फ्यूज है एक दूसरे से, तो ये गैमो सेपल्स कंडीशन है। और एस्टिवेशन की बात करी जाए तो देखिए कोई भी किसी के ऊपर नीचे नहीं, तो इस तरीके का एस्टिवेशन कहला रहा है। देखिए कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरीके का एस्टिवेशन कहलाता है वॉल्विट एस्टिवेशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर मेरे हाथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है फीमेल फ्लावर, और फीमेल फ्लावर देखिए जिस ब्रांच से कनेक्ट है फ्लावर उसे कहते हैं पेडिसल। और देखिए यहाँ पे आपको ये ओवरी जो कि फर्टिलाइज हो चुकी है, आपको ये ओवरी दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके ये आपको दिख रहे हैं कैलिक्स, और ये हो गया इसका कोरोला। देखिए उस वाले फ्लावर को चूंकि वो मेल था मैंने उसको तोड़ दिया, लेकिन इसको मैं काट नहीं सकता हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा ऐसे ही कि ये आपकी जो ओवरी के जो पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, तो वो पार्ट आपको दिख रहे हैं स्टिग्मा, ये दिख रहा है आपको स्टिग्मा, और फिर इसके नीचे स्टाइल है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखिए ये स्टिग्मा और स्टाइल आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको स्टिग्मा है, इसके बाद स्टाइल है, और नीचे की तरफ ये आपको ओवरी दिख रही है। ये स्टिग्मा हो गया ये वाला पार्ट, इसके बाद नीचे ये जो स्टॉक दिख रही है वो स्टाइल है, और फिर आपको ओवरी ये नज़र आ रही है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे यही फ्रूट होगा, और ये वाला पार्ट जो है ये शेड ऑफ हो जाएगा। कुछ दिन बाद ये शेड ऑफ हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे शेड ऑफ होगा, कैसे ये मुरझा जाता है और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरी का पार्ट हो गया, ये थैलेमस हो गया जिसके ऊपर ये ओवरी है, और ओवरी के ऊपर ये फीमेल फ्लावर है जिसमें कि सिर्फ ओवरी मिल रही है, इसमें एंथर नहीं मिल रहा है। मेल फ्लावर में हमने आपको एंथर सिखाए थे, तो ये पार्ट हो गया आपका फीमेल फ्लावर। चूँकि ये फर्टिलाइज हो चुकी है तो अब यहाँ पर इसको कोई नुकसान नहीं होगा, फल बन जाएगा पूरा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया स्टिग्मा,
फिर ये नीचे की तरफ स्टाइल और ये की ओवरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो सेपल्स हैं देखिए सारे के सारे एक से ही दिख रहे हैं, फ्यूज हैं, गैमोसेपेलस कंडीशन है, पांच सेपल हैं, 1 2 3 4 5 पेंटावेरस कंडीशन है। ठीक है, और ये कैलेक्स, देखिए ये कैलेक्स हैं, प्रोटेक्टिव शीट्स होती हैं, ये भी डिजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन हो चुका है तभी ये आपको ओवरी थोड़ी सी स्वेलअप मिल रही है जो कि अंदर फ्रूट बनना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो ये ओवरी का पार्ट हो गया। अब हम आपको फ्रूट दिखाने जा रहे हैं कि इसका फ्रूट कैसा होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो डिग्रेड होगा वो कैसे डिग्रेड होगा, कहाँ पे डिग्रेड होगा। देखिए देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फर्टिलाइज हो गई, देखिए थोड़ा सा राइपन आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे राइप कर गई है और जो राइप कर गई है देखिए ओवरी पूरी तरह से फर्टिलाइज हो चुकी है। और देखिए ये वाला पार्ट जो जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये डिजनरेट हो जाता है, ये धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा है, ये कैलेक्स वगैरह भी शेड ऑफ हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ये भी डिजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये, और ये कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको शेडिंग होती हुई दिख रही है, ये मुरझा गया पूरी तरह से और ये फ्रूट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुकरबिटा प्लांट का पूरा एक लाइफ साइकिल आपको दिख रहा है कि किस तरीके से फ्लावर बन रहा है, फ्लावर से ये आपको फ्रूट बनता हुआ नजर आ रहा है। फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको यहीं समझ में आ रहा होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट, कैलेक्स कोरोला शेड ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ आपको कैलेक्स कोरोला दिख रहे हैं, ये शेड ऑफ होते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पे ये आपका एक फ्लावर है जो कि आपको ये दिख रहा है फ्लावर। देखिए ये अभी फ्लावर बंद है, ये कल परसों में खुल जाएगा, उसके बाद ये फ्लावर इस तरीके से हो जाएगा। इसमें दो तरीके के मेल फीमेल फ्लावर होते हैं, तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये वाला फ्लावर मेल फ्लावर है, इसमें कोई भी आपको स्टिग्मा स्टाइल नहीं दिख रही है। तो मेल फ्लावर्स हैं वो अभी बड बना हुआ है, ये अभी बड है, ये फ्लावर फ्लोरल बड है, ये कुछ दिन बाद खुलेगा तो इस तरीके का होगा, फिर इस तरीके का होगा और फाइनली फर्टिलाइज होके ये एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से आप कुकरबिटा में फ्रूट का पूरा फॉर्मेशन देख सकते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, देख लिया आपने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसकी जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच में अगर आप देखिए तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशंस हैं, ये टेंड्रल्स कहलाते हैं। ये टेंड्रल्स बेसिकली इसलिए हैं कि ये बेल है, ये किसी सॉलिड सपोर्ट से लटक के ऊपर की तरफ बढ़ सके, ये ग्रो कर सके, क्योंकि जो कुकरबिटा है काफ़ी वजन वाला होता है, हैवी होता है, इसलिए इसको नीचे ही रखते हैं, इसको कहीं टांगते नहीं है। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे।